नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ रत्ना मानिक और अपनी ही लिखी कहानी लेकर उपस्थित हूँ। शीर्षक है एक बार फिर। वानी बिस्तर पर बुरी तरह से छटपटा रही थी। वह कभी दाएं करवट लेती, कभी बाएं करवट, पर किसी भी करवट उसे राहत नहीं मिल रही थी। चेहरे पर बेचैनी, घबराहट और घबराहट के साथ पसीने की महीन बूंदें छिलबिला रही थी और सांसें तो धौकने के माफिक चल रही थी। विशाल, एक तेज चीख के साथ वह उठकर बैठ गई थी। घबराई आंखों से उसने इधर उधर देखा। विशाल, 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 तुम ठीक हो ना? नींद से पूरी तरह से जागकर उसने अपना सिर पकड़ लिया था। ओह, वह तो अपने ही घर में है, यानी वही सपना फिर से। उसकी आंखों के सामने वह खौफनाक मंजर नाच उठा था। वे गाड़ियों के शोर से चीखती सड़कें, साएं साएं करती गाड़ियों की तेज आवाज और एक तेज चीख के साथ सड़क पर बिखरा ढेर सारा खून। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने फिर वही सपना देखा था, वही खौफनाक सपना जिसने उसकी हस्ती मुस्कुराती जिंदगी को हमेशा के लिए अंधकार में डुबो दिया था। कुछ देर तक वह यूं ही शून्य में ताकती रही। शायद मन अतीत की सकरी गलियों में कहीं उलझ सा गया था कि अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। हड़बड़ाहट में उसने अपने लंबे बिखरे बालों को बेतरतीबी से जूढ़े की शक्ल में बांध दिया। आज बैंक में उसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, कहीं वह लेट न हो जाए, यह सोचकर वह बाथरूम की तरफ भागी। मीटिंग है यह सोचकर वानी ने ग्रे और ग्रीन कॉम्बिनेशन वाली लिनन की साड़ी पहन ली थी। बैंक पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। उसका प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट तैयार था। लैपटॉप लेकर वह मीटिंग एरिया में पहुंच गई। सीनियर्स उसकी प्रेजेंटेशन से बहुत खुश थे, बहुत इंप्रेस थे। वास्तव में वानी एक बहुत ही सुलझी हुई, टैलेंटेड, वक्त की पाबंद, अपने काम के प्रति चौकस एक बहुत ही स्मार्ट असिस्टेंट मैनेजर थी। ईश्वर ने उसे कार्य करने की काबिलियत के साथ सुंदरता और सौम्यता, इन गुणों से भी नवाजा था। किंतु आज न जाने क्यों मीटिंग में वह कई बार अचकचा गई थी। एक जोड़ी आंखें लगातार उसकी तरफ, उसके चेहरे पर गड़ी हुई थी, और जब भी वानी की आंखें उसकी आंखों से टकराती, उसकी आंखें हल्के से मुस्कुरा देती थी। ये शायद वही होगा जो ट्रांसफर होकर यहां आने वाला था, जिसकी चर्चा कुछ दिनों से ऑफिस में हो रही थी, वानी ने मन ही मन सोचा। खैर, जल्दी जल्दी उसने अपना प्रेजेंटेशन खत्म किया, लेकिन वह उन आंखों की गर्मी को अब भी अपने बदन के इर्द गिर्द महसूस कर रही थी। वानी अपने केबिन में पहुंचकर जरूरी फाइलों को निपटाकर सिर को चेयर पर टिकाते हुए उसने आंखें मूंद ली थी। केबिन का दरवाजा खुलने की आवाज हुई तो उसने सोचा कैलाश आया होगा चाय देने के लिए। उसने आंखें मूंदे हुए ही कहा, कैलाश, चाय टेबल पर रख दो, और हां, यदि कैंटीन में कुछ गर्म हो तो प्लीज ले आना, आज मैं बहुत थक गई हूं। वानी जी, ये मैं हूं, कैलाश नहीं, कहिए तो मैं ही आपके लिए कुछ ले आऊं। एक नई आवाज सुनकर वानी अचकचा कर चेयर पर सीधे बैठ गई। आपकी प्रेजेंटेशन तो काबिले तारीफ रही, क्या कॉन्फिडेंस था, क्या पॉलिसी की बारीकियां थी, भाई वाह, मैं तो आपका फैन हो गया। वह अपने ही रॉ में बोले जा रहा था, वह, हाँ वह, जो मीटिंग के दौरान बार बार उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, और अब भी उसकी आंखों में शरारत का एक छोटा सा कतरा मचल रहा था, जैसे नीले आसमान में कोई मनचला आवारा बादल का छोटा सा कतरा। तुम,
मेरा मतलब है आप यहां क्या कर रहे हैं? हड़बड़ाहट में वाणी को समझ में नहीं आया कि वह उसे तुम कहे या आप, लेकिन चेहरे पर नाराजगी के भाव स्पष्टता परिलक्षित हो रहे थे। एकांत चिंतन में विघ्न से उपजा रोष उसके चेहरे पर था। वाणी ने अपनी आवाज का रूखापन शायद खुद भी महसूस किया, सो आवाज में नरमियत लाते हुए उसने कहा, जी कहिए। अजी क्या कहने हैं आपके, लाजवाब प्रेजेंटेशन रहा आपका। इस नाचीज को राज कहते हैं, राज सक्सेना। कहते हुए राज ने अपना दाहिना हाथ बढ़ा दिया। राज जिस बेतकल्लुफी और नाटकीय अंदाज में बातें किए जा रहा था, उससे वाणी की त्योरियां चढ़ती जा रही थी। ये समझता क्या है अपने आप को, चलाया मुंह उठाकर। सोचते हुए वाणी ने किसी तरह से अपने गुस्से पर काबू किया और दो टूक जवाब देते हुए कहा, देखिए लंच टाइम ओवर हो रहा है, हम बाद में बातें करें। श्योर, वाई नॉट। कहते हुए उसने फिर से मुस्कुराकर एक भरपूर दृष्टि वाणी पर डाली तो वह फिर से असहज हो गई और वह फिर से वाणी की असहजता पर शरारत से मुस्कुरा उठा था। हद है यार, क्या मुसीबत है ये, अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखता ये लड़का, बिना पूछे केबिन में धावा बोल दिया, ऊपर से बतीसी भी दिखला रहा है। वाणी मन ही मन चिढ़कर भुनभुना उठी। पर यह क्या, यह तो अब रोज की बात हो गई थी, कभी बैंक जाते समय, कभी लंच टाइम में, और कभी कभी तो बैंक से घर लौटते समय कहीं न कहीं राज टकरा ही जाता और अपने उसी बेफिक्र से अंदाज में बस चालू हो जाता। न जाने कितनी बातें वो करता था बिना थके, कुछ जरूरी और बहुत सारी गैर जरूरी, चपड़ चपड़ चपड़। वाणी से सामना होते ही वह शुरू हो जाता, वाह वाणी जी आप तो बहुत पंक्चुअल हैं भाई, क्या ड्रेसिंग सेंस है आपका, चलिए कैंटीन में एक एक कप कॉफी हो जाए, मैं तो जिंदगी से यूं ही कुछ लम्हे चुरा लेता हूं, कल भला किसने देखा है वाणी जी। और भी न जाने क्या क्या कहते रहता। वाणी कभी उसे घूर कर और कभी स्पष्ट शब्दों में ना कहकर उससे अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करती, लेकिन राज से सामना होते ही वाणी न जाने क्यों घबरा उठती। शायद मन के किसी कोने में छिपा उसका दिल धीरे धीरे खुद के बागी होने का संकेत दे रहा था। राज का सामना होते ही उसका सारा आत्मविश्वास सर्दी की धूप की तरह झट से गायब हो जाता। वाणी जब बैंक से घर लौटकर घर के कामों को निपटाती तो बहुत देर तक खुद से बड़बड़ करती रहती, और बड़बड़ का विषय ऑफ कोर्स राज सक्सेना। घर आकर भी राज की बातें वाणी के कानों में गूंजती रहती, क्या बात है वाणी जी, काफी मेंटेन कर रखा है अपने आप को, आप इतनी चुप क्यों रहती हैं? अरे मेरा तो उसूल है जिंदगी के हर पल को जिंदा दिली से इंजॉय करना चाहिए, क्या ख्याल है आपका वाणी जी। राज की एक एक बातें किसी सिनेमा की रील की तरह उसकी आंखों से होते हुए दिल में उतरती चली जाती, और उसके दिल में जितनी बार राज नाम की सरगम बजती वह खुद पर उतना ही झुंझला उठती। लेकिन विधाता के मुख पर सौम्य वात्सल्यपूर्ण मधुर मुस्कान थिरक उठती। आज उसने ठान लिया था इस चपड़ चपड़ महाशय को एक करारा जवाब देगी ताकि आइंदा से वह उसके पीछे ना पड़े। हाँ बस बहुत हो गया, वाणी सोच रही थी कि ऑफिस में वो इतना रिजर्व रहती है कि उसका स्टाफ हंसी मजाक तो दूर, उससे बात करने में भी कई बार सोचता है, और ये कल का आया लड़का, इसकी इतनी मजाल। लंच टाइम में वाणी राज के केबिन में पहुंचकर कुछ जरूरी बात करने की बात अभी कह ही रही थी, तभी वाह 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 क्या बात है भाई, जहे नसीब आज सूरज निकला किधर से है, कहिए वाणी जी कहीं कॉफी पीने चलें। उसकी बक बक शुरू हो गई। वाणी ने नजरें घुमाकर इधर उधर देखा, आसपास की कई टेबल खाली थी। उसने आश्वस्त होकर कड़े शब्दों में कहा, सुनिए मिस्टर राज,
जिस तरह से आप बिना वजह मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं ना, बंद कीजिए यह सब। मैं यहाँ जॉब करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि बिना वजह लोग यहाँ गॉसिप करें। आप अपने काम से काम मतलब रखिए। आइंदा बिना वजह मुझसे बात करने की कोशिश मत कीजिएगा, समझे आप? गुस्से में उसकी आवाज बेकाबू हुई जा रही थी, लेकिन एक सांस में उसने अपनी बातें पूरी की और दंदनाते हुए अपने केबिन में जाकर किसी टूटे हुए शाख की तरह चेयर पर ढहसी गई। उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थीं। मन की खींच, बेबसी और किसी कोने में पड़े दिल के कराहने की आवाज, उसकी सर्द भरी सदाएं आंखों के रास्ते देर तक बहती रही, लेकिन मन का गुबार निकाल कर भी उसका मन शांत नहीं हुआ। एक अजीब से दर्द से वह छटपटा रही थी, एक अनजाना सा दर्द, पर इस दर्द की वजह और अपने मन की उलझन से वह पूरी तरह से अनजान थी। दूसरे दिन नियत समय पर वाणी बैंक पहुंची, अपना काम भी किया, लेकिन पूरे दिन मन में एक अजीब सी बेचैनी रही। कई एक बार केबिन से बाहर निकलकर उसकी आंखें भीड़ में किसी को तलाशती रहीं। उसके मन के भीतर क्या चल रहा था उसे खुद भी पता नहीं चल रहा था। राज पर उसने अपनी नाराजगी तो जाहिर कर दी थी, पर अब उसके न दिखने पर उसका मन चंचल क्यों हो रहा था? आज काम करते वक्त भी उसका मन जरा भी काम में न लग रहा था। एक झुझलाहट, एक ऊब थी जो कभी खुद पर और कभी ऑफिस की फाइलों पर निकल रही थी। इतने वर्षों की नौकरी में आज पहली दफे उसने कैलाश को बुरी तरह से झाड़ दिया था। यह क्या तरीका है आप लोग का? दिन भर कोई जी तोड़ काम करते रहे और उसे एक प्याली चाय भी ना मिले? कैलाश सकपकाकर उसका मुंह ताके जा रहा था। वाणी ने एक बार नहीं, कई बार बाहर निकलकर उस मुस्कान को तलाशने की कोशिश की। तलाश मुकम्मल तो न हुई, पर उसके मन की निराशा गहरी होती चली गई। राज बैंक तो आता, लेकिन हर दफे वह कोशिश करता कि वाणी से उसका सामना न हो। कभी दोनों टकराते भी तो राज बगल से इस तरह से निकल जाता जैसे वह वाणी को पहचानता तक नहीं है। राज की बेरुखी वाणी के लिए असह्य हो उठी, पर क्यों? उसने तो खुद राज को बुरी तरह से झाड़ा था, फिर राज से शिकायत क्यों, उससे उम्मीद क्यों? वाणी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वह अंदर ही अंदर घुटने लगी थी, बिन पानी की मछली की तरह छटपटाने लगी थी। राज का नजरअंदाज करना उसे अंदर तक चुभने लगा था। वाणी एक अजीब से मानसिक दौर से गुजर रही थी। वह बहुत दिनों से अपने आप से लड़ रही थी। सच तो यह था कि बैंक में वह बिना वजह राज से चिढ़ती रहती, उससे उखड़ कर बात करती, पर उसके मन के एकांत कोने में राज हर वक्त मुस्कुराता रहता। और वाणी की बेचैनी भी यही थी। वो अपने मन की इस चंचलता पर बुरी तरह से डरी हुई थी। कुछ साल पहले ही तो उसकी जिंदगी की खुशियां काल के गाल में समा चुकी थी, और अब एक बार फिर वही डर, फिर से किसी को खोने का डर। बुखार की वजह से उसने एक सप्ताह के लिए बैंक से छुट्टी ले ली थी, पर उसे पता था कि घर में भी उसे शांति नहीं मिलेगी। शाम की चाय बनाकर वाणी हॉल में बैठी थी और उसने हल्का म्यूजिक प्ले कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि दिमाग की किसी उलझन में वह फिर से फंसे। तभी कॉल बेल बजी और सामने जिसको देखा उसे देखकर वह बुरी तरह से अचकचा गई। तुम? मेरा मतलब है आप? वह फिर से हकला उठी। आज राज के चेहरे पर वो चिर परिचित मुस्कुराहट न थी, बल्कि एक अलग किस्म की संजीदगी थी उसके चेहरे पर। भारी आवाज में उसने पूछा, अंदर तो आ सकता हूं ना? वह दरवाजे से एक तरफ हट गई। वाणी, कैसी हो तुम? वाणी को राज की फिक्र और उसका तुम कहना
अंदर तक पिघला गया। लगा सब कुछ भूल भाल कर वह उसके सीने से जा लगे और कहे, राज राज प्लीज मुझे संभाल लो, अब और नहीं सहा जाता, अकेले यूं जिंदगी की लड़ाई लड़ते लड़ते मैं थक गई हूं। राज मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, राज सिर्फ तुम्हारा साथ। वानी तुम ठीक हो ना, कहां खो गई? राज ने उसके कंधे को हौले से हिलाते हुए पूछा था। हां ठीक हूं, कांपती आवाज को संयत करके वानी ने छोटा सा जवाब दिया। सुनो वानी, अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। मैं जितने दिनों तक बैंक में तुमसे हंसी मजाक करता रहा, तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं, या किसी गलत नीयत से भी नहीं, नहीं नहीं, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता हूं। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि इस उदास चेहरे पर मैं मुस्कान की नन्ही सी किरण बिखेर सकूं, इस कुमलाए चेहरे पर अपने प्यार के शबनम की नमी बिखेर सकूं। वानी अपनी बोझिल सी आंखें राज के चेहरे पर टिकाए दम साधे उसकी बातें सुन रही थी। आज उसमें विरोध करने की जरा भी हिम्मत न थी। वानी वानी तुम सुन रही हो ना, मैं तुमसे प्यार करता हूं वानी, बहुत प्यार करता हूं, बहुत बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। नहीं नहीं वानी, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। वानी के कांपते होठों पर राज ने अपनी अंगुलियां धर दी थी। आज सिर्फ मुझे कहने दो, मैं सब कुछ जानता हूं वानी, सब कुछ जानता हूं। किस तरह से विशाल का एक्सीडेंट हुआ, किस तरह हिम्मत से तुम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रही हो, सब कुछ जानता हूं। मैं तुम्हारी सादगी और हिम्मत का कायल हूं वानी, तुम्हारे लिए मेरे मन में दया नहीं सम्मान है। मैं तुम्हें वो सारी खुशियां देना चाहता हूं जिस पर तुम्हारा हक है। एक बार वानी, सिर्फ एक बार मुझ पर विश्वास करके देखो, सिर्फ एक बार। तुम अपनी पूरी जिंदगी इस बेवकूफ राज के साथ क्या बिताना ना चाहोगी? बोलो वानी प्लीज, कुछ तो बोलो। राज बोलते बोलते भाव खो उठा था, उसकी आंखों में प्रेम के मोती झिलमिला रहे थे, आवाज कांप रही थी और वानी वानी तो निहाल हुई जा रही थी। उसने राज को जोर से भींच लिया। वर्षों का जमा दर्द स्नेह का स्पर्श पाते ही आंखों के रास्ते बह निकला। अब उसके मन में कोई डर न था, उसके मन की सारी उलझने जैसे एक झटके से कहीं गुम हो गई हैं, सुलझ गई हैं। एक बार फिर, हां एक बार फिर जिंदगी ने उसके मन के दरवाजे पर दस्तक दी थी। उसने भी मन के बंद दरवाजे खोल दिए थे और जिंदगी एक बार फिर से मुस्कुरा रही थी। हां एक बार फिर से जिंदगी मुस्कुरा रही थी। ये कहानी इतनी ही। सब्र से सुकून से सुनने के लिए बहुत शुक्रिया।